हड़ताल, मंत्री के साथ हुई वार्ता, नहीं बनी सहमति। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली हिसार ब्रेकिंग न्यूज 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब चलते हैं खबर की तरफ। हिसार में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर चल रहे नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी को शुक्रवार को वार्ता पर बुलाया। वार्ता में सरकार की तरफ से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी तथा यूनियन की तरफ से 11 सदस्य शिष्टमंडल शामिल हुआ। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में सहमति नहीं बनी। आपको मालूम हो, नगर पालिका कर्मचारी संघ 19 अक्टूबर से हड़ताल पर चल रहा है। हड़ताल के चलते शहरों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, कचरा सड़कों पर फैला हुआ है। इसी बीच नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हड़ताल को 29 अक्टूबर तक जारी रखने का ऐलान किया हुआ है। वार्ता विफल होने पर कर्मचारियों का क्या कहना है, यह आपको दिखाते हैं। सवाल नहीं है, जब तक सरकार ऑफिशियल बैठक नहीं करेगी और मांगों का, जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हमारे कर्मचारियों को बाहर करें और जिनका वेतन 3-4-7 महीने से रोक रखा है उनका वेतन दिया जाए, जो छटनी कर रखे हैं लोग उनकी छटनी वापस की जाए, फायर के कर्मचारियों को जो 1366 है उनको रेगुलर किया जाए, और वर्क आउटसोर्स डोर टू डोर का जो वनडम का ठेका है वो सरकार समाप्त करने की चिट्ठी जारी करे, और इसके अलावा 4000 रुपया जोखिम भत्ता हमें दिया जाए, और जो कोविड में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उन सभी कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए राशि देने की सरकार घोषणा करे, और हमारी जो अन्य मांगे हैं उनको पूरा करें। आज जो मंत्री जी से बात की, इसमें हमने यही कहा है कि मंत्री जी ऑफिशियल बैठक बुलाएं हमारे साथ, हम बात करने को तैयार हैं और मांगों का समाधान सरकार निकाले। और कल हमने बीते कल मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था और अपील की थी कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करके हमारी मांगों का समाधान करवाएं और इस हड़ताल को समाप्त करने। मंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तैयार है, दोबारा भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अनुशासन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।